खतरा से हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा। खतरा कब का हो जाएगा, कितना आदमी इसमें मर गया। अच्छा, इसमें कुछ आदमी मर भी गया, गोड़ टूट गई, कितना आदमी। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सब नेता चमचा हो गए, बस चोर हो गए, बस वोट मांगा था सर, बस क्लास। चुनाव आता है तो लाकर बोलते हैं कि हम गरीब के लिए खून दे देंगे, गरीब के लिए जान दे देंगे, तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं? जब गरीब मरेगा तब वो लोग आएगा, अभी बनवाएंगे सिर्फ खाली बोल रहे हैं। आप ये खींचिया मिलाते हैं इसको, देखिए हिलाइए, देखिए इसको तो हम हिलाते हैं, खींचिए तो देखो 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 देखिए, हाँ देखो मारे लेखा पुल हिलता है। क्या कहना चाहते हैं जो विधायक है, सांसद, क्या कहना चाहते हैं उनको लिए? हम तो कहेंगे देख कितना आदमी इसमें गिर कर मर गया। अच्छा, आदमी कुछ गिर कर मर भी गया, तो इसको कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। हाँ, जो आता है लो जाता गुप्ता से उन्होंने सवाल रखा, लेकिन उन्होंने समझिए किसी तरह से सवालिया निशान रखते हुए अपने आगे निकल जाते हैं, और इसके प्रति अभी तक कहीं कोई किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा है, जिससे हम लोग हमेशा के लिए जान जोखिम में जाने जाने के लिए। मान लीजिए दो चार जो आपका पैसेंजर है बैठा कर लेकर जाते हैं, क्या आपको लगता है कभी भी घटना हो सकता है? बिल्कुल घटना हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कभी भी घटना हो सकता है। अच्छा, आप लोग इस पुल से क्यों गुजरते हैं जब पुल इतना खतरनाक है, दूसरा भी रूट से जाते हैं? नहीं है ना सर। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ बिहार न्यूज़। मौजूद है मायनाटर प्रखंड के सुखलही गांव में, यहीं से एक रास्ता निकलता है जो जाता है नरकटियागंज के लिए, नरकटियागंज मथुरा होते हुए जाता है, यहीं पे एक पुल है। इस पुल की इतने जर्जरा स्थिति आप लोग देख सकते हैं, पुल की कितना जर्जरा स्थिति, पुल की चपेट में कभी भी आने से किसी भी इंसान का जान जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी लो रोड गाड़ी यहाँ पर नहीं जाता है, फिर भी इस पुल को पे गाड़ी कोई भी चढ़ता है तो पुल का पापाट की तरह पुल हिलता रहता है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, अब पुल के बारे में आप लोग को बताने के और अच्छा तरह से दिखाने के प्रयास। ग्रामीण मौजूद हैं, ये पुल से लगभग पर डे गुजरते हैं। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं, पुल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये बताइए पुल कितना दिन से टूटा हुआ है? ये लगभग हो गया 7-8 साल, 10 साल हो गया चाचा। चाचा अच्छा, 10 साल से ऐसे ही टूटा हुआ है? हाँ, 10 साल से ऐसे ही टूटा हुआ है। अच्छा, हम लोग बोलते हैं सारा विधायक मंत्री से, तो बोलता है कि बनेगा। अच्छा, आज 8-10 साल से नहीं बन रहा है पुल। हम लोग सब्जी लेकर आते हैं तो गाड़ी गिर जाता है वहाँ पे, तो गाड़र तो रख कर हम लोग गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, जिस समय चुनाव का समय आता है उस समय क्या बोलते हैं लोग, विधायक और सांसद या जो भी प्रतिनिधि है, क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कि बनेगा, पहले वोट दे दो तो बनेगा। अच्छा, वोट दे दो बनेगा। अभी तो फिलहाल में चुनाव एक फाइनल हुआ जो साल भर पहले खत्म हुआ था। अभी वीरेंद्र गुप्ता आपका क्षेत्र का विधायक है, क्या उनसे कोई बात हुआ है? बात हुआ है तो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, आप बनाते ही नहीं करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति इधर मौजूद है, उनसे भी कुछ बात करते हैं इस पुल के बारे में। बताइए, पुल से आप गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं कोई नहीं सोचते कि पुल में कोई पैर और फंस गया, कभी गिर गया? खतरा से हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा। खतरा कब का हो जाएगा, कितना आदमी इसमें मर गया। अच्छा, इसमें कुछ आदमी मर भी गया, गोड़ टूट गई, कितना आदमी क्या खराब हो गया। जहाँ तक लगता है कि जब तक ये पुल गिरेगा नहीं, जब तक सरकार इसमें कुछ करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, और गिर जाता है लोग मर जाता है तो मुआवजा देने के लिए बहुत सारा आ जाएगा, नेता हो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो देने के लिए आ जाएगा। अभी तो कुछ कोई नहीं आ रहा है नया पुल निर्माण कराने के लिए, कोई नहीं आ रहा। क्या चुनाव का समय में क्या बोलते हैं लोग, विधायक हो सांसद, पुल बनवाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं करते। अच्छा, पुल बनना चाहिए कि ना, आवश्यक जरूरी है? काम जरूरी है पुल, ऐसा तो इतना कोई जरूरी नहीं है, इतना जरूरी है। देख सकते हैं पुल का नट बोल्ट जो भी, अच्छा ऐसा पुल था, थर 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 कांपता है, चलता है, इस पर लोड गाड़ी भी बंद हो गया, लोड गाड़ी भी बंद लग रहा है। किसान उसान को भी गन्ना ले जाए, गन्ना का टोली ले जाने में प्रॉब्लम है, बहुत थोड़ थोड़ लाकर हाँ जा रहा है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग थे, इनको बहुत अधिक तरह से पुल के बारे में जानकारी है, अच्छा तरह से बताए हैं इस पुल का स्थिति। यहाँ पे चार व्यक्ति का, कुछ लोग के यहाँ पे जान भी चला गया। देख सकते हैं पुल का कितना दयनीय स्थिति है, एकदम जर्जरा स्थिति है पुल। देखिए, ऐसे पैर से मारने पर पुल हिल रहा है साला, ऐसा पुल आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। ऐसा पुल आप लोग देखने के लिए जानते हैं कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है, जो बिहार अपना है, बिहार जो नीतीश सरकार है इन्हीं के बिहार में राज में मिलता है ऐसा ऐसा पुल। देख सकते हैं पैर से मारने पर पुल हिल रहा है। नीतीश सरकार बोलते हैं कि जब तक, जब से हम आए हैं, जब से पुल का रोड का इतना ज़्यादा निर्माण किए, इतना ज़्यादा विकास किए हैं कि कहीं पर आप लोग को एक भी टूटा हुआ पुल, एक भी टूटा हुआ रोड आप लोग को नहीं मिलेगा। तो कहाँ से आ गया? देख रहे हैं इसका नट बोल्ट अलग है, ये जो पुल का इतना ज़्यादा स्थिति, इसका नट बोल्ट कोई भी लगा हुआ नहीं, अलग है। यहाँ पर कभी भी घटना हो सकता है, यहाँ पर डे हजारों के संख्या में यहाँ से इस रूट से लोग गुजरते हैं, फिर भी यह पुल बन नहीं रहा है। इधर किसान उसान को भी टोली वोली ले जाने में बहुत सारा तकलीफ और दिक्कत का सामना किया जा रहा है, फिर भी यह पुल बन नहीं रहा है। देख सकते हैं उधर टेम्पा आ रहा है, देख सकते हैं आप टेम्पा ऑटो टेम्पा उधर आ रहा है, देख सकते हैं कैसे पुल हिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा दिखाइएगा, टेम्पा जैसे आएगा देखिए पुल हिल रहा है, पुल कप कप कर रहा है। देखिए देखिए कैमरा, कितना आदमी गिर गया, अभी थोड़ा बहुत घटना भी हो गया। चलिए टेम्पा वालों को हम रोकते हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। बताइए ड्राइवर साहब, आप
इस रूट से कब गुजरते हैं? रोज गुजरते हैं, कभी काले गुजरते हैं? कभी कभी गुजरते हैं भैया, लेकिन ये पुल ससुराली डेरी हमारा साल भर में आते हैं खाली सड़क के लिए। अच्छा, कितना दिन से पुल का इतना जर्जरा स्थिति है? कितना दिन से? अरे कम से कम हमारा बुझाता है कि लमसम 10-15 साल से। अच्छा, 10-15 साल से पुल का एकदम जर्जरा स्थिति है। अच्छा, आप इस पुल से गुजरते हैं, मान लीजिए 2-4 जो आपका पैसेंजर है बैठा कर लेकर जाते हैं, क्या आपको लगता है कभी भी घटना हो सकता है? हाँ, बिल्कुल घटना हो सकता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कभी भी घटना हो सकता है। अच्छा, आप लोग इस पुल से क्यों गुजरते हैं जब पुल इतना खतरनाक है? दूसरा भी रूट से जाते ही नहीं है ना सर। अच्छा, यही रास्ता है? यही रास्ता ही है। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर सलाहा टमको ही है। सलाहा टमको ही है। हाँ, अच्छा, इधर जो क्षेत्र का जो सांसद है विधायक, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बहुत डांग आदमी जो भी हो, लेकिन इतना बेकार रोड बताइए, बस भी गुजरता है रूट से। अगर मान लें खुदा ना खास बस अगर चला गया तो कम से कम 50-60 आदमी लिया रहता है ना। टोटा गया ना, गया इधर तो लोड गाड़ी भी बहुत सारा बंद हो गया, बंद हो गया, नहीं जा पा रहा, कैसे जाएगा? आप देख लीजिए ना। चलिए, अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? चाहते हैं हम लोग की बस जल्दी से जल्दी बन जाए भैया, कोई 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 खतरा ना हो। चलिए ठीक है, ठीक है, बढ़ाइए बढ़ाइए। चलिए एक और देख सकते हैं, पाछे मेरा ऑटो लगा हुआ। बताइए, आप स्कूल से गुजर रहे हैं, क्या आपको लगता है कभी भी सबसे बड़ी बात है कि मैटर प्रखंड से अनुमंडल को जोड़ने वाली एकमात्र यही रास्ता है, और इसके लिए हमको लग रहा है कि प्रशासन अंधी और गुंगी बहरी हो चुकी है। इसके प्रति कई बार यहाँ के स्थानीय विधायक वीरेंद्र गुप्ता से उन्होंने सवाल रखा, लेकिन उन्होंने समझिए किसी तरह से सवालिया निशान रखते हुए अपने आगे निकल जाते हैं, और इसके प्रति अभी तक कहीं कोई किसी तरह का कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पा रहा है, जिससे हम लोग हमेशा के लिए जान जोखिम में जाने के लिए मजबूर हैं। और दूसरे रूट से जाने का मतलब हुआ कि मतलब काफ़ी मतलब दूरी का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये इतना चालू होने के बावजूद भी समझ लीजिए कि आवाम के लिए प्लस में अभी गन्ना के जो समय चल रहा है, गन्ना किसान को भी बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन से लेकर और स्थानीय विधायक से लेकर सरकार इसके लिए प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अच्छा। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसके प्रति मतलब आश्वासन छोड़कर इस पर जमीनी स्तर पर इसको काम सुचारू रूप से काम कराने। अच्छा, चुनाव जो आता है, विधायक है, सांसद है, जो भी है, वो लोग देखिए अभी बाइक है गिरते गिरते बचा है, देख सकते हैं एक मेरा चाचा है वो गिरते गिरते बचे हैं, यहाँ पे पड़े लोग गिरते रहते हैं, कभी किसी का पैर टूट गया, कभी किसी का हाथ टूट गया, ऐसा घटना यहाँ पे होता ही रहता है। बेशक इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। एक बार इसके पहले हम भी हो चुके हैं, आप भी गिरे हैं, उसके बाद ये गार्डर लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, जाना है, मजबूरी है, इसी रूट है, इसी पे इस गुजरना चाहते हैं। ऐसे तो बात है, चुनाव का समय आता है तो लोग बोलता है, जो विधायक है सांसद है बोलते हैं कि हम आपके लिए अपने जान दे देंगे, खून दे देंगे, कहाँ गए वो लोग? केवल चुनावी जुमला है, बाकी चुनाव जीतने के बाद के कोई ठोस कदम इस पे कोई आपको नहीं लगता है? अगर पुल अगर आज गिर जाए, कल गिर जाए, तो यहाँ पे बहुत सारा सरकार आएगा, कोई बोलेगा हम 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे, कोई बोलेगा 4 लाख रुपए मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा देने से उस जिन लोग के घर के जो व्यक्ति मरेंगे उनको हो सकता है? क्षणिक घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। जो लोग मुआवजा देने के लिए बोलते हैं, वो लोग अगर अभी आकर नया पुल का विकसित कर दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं? अति उत्तम होगा, मतलब समझ लीजिए कि इधर से मतलब हजारों की मतलब रेली सवारी और प्लस में काफी लोगों को जाना आना होता है। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब ब्लॉक से लेकर मंडल के लिए एक मात्र इकलौता रास्ता है, जिससे लोगों को काफी मतलब सहूलियतें होंगी। और हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पर कोई सरकार या प्रतिनिधि ठोस जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। चलिए ठीक है, और सारे ग्रामीण है वहाँ से बात करना चाहते हैं। देख सकते हैं टेम्पर कैसे फंस गया, आप लोग सामने देख सकते हैं, अभी आपका नज़र के सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो का टेम्पर इसमें घुस गया, यहाँ पर घुस गया। चलिए एक और मेरे इधर बुजुर्ग दादाजी हैं, बहुत पुराने हैं लगते हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि पुल का आप ये खींचे, हम हिलाते हैं इसको, देखिए हिलाइए, पैर से पुल हिल रहा है, पैर से खींचे इसको तो हम हिलाते हैं, खींचे तो देख सकते हैं, देखो 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 देखिए, हाँ देखो मारे लेखा पुल हिलता है। क्या कहना चाहते हैं जो विधायक है सांसद, क्या कहना चाहते हैं उनको लिए? हम तो कहेंगे कितने आदमी इसमें गिर कर मर गया। अच्छा, आदमी कुछ गिर कर मर भी गया? तो इसको कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। अच्छा। जो आता है लो जाता है लो। अच्छा। कितना मीडिया लोग संकुलन आ गया। अच्छा, अच्छा। तो इसको लिए कोई ध्यान नहीं हुआ। हाँ, हम लोग तो सब समझते हैं। अच्छा, जिस समय चुनाव हुआ था तो उस समय आप लोग चुने होंगे कि बहुत अच्छा विधायक चुने हैं, बहुत अच्छा सांसद चुने हैं, वो मेरे लिए विकास करेंगे, तो अभी वो लोग क्या कर रही है? वो आता है लोग जाता है लोग, कहते हैं हो जाएगा, सिर्फ कहते हैं लोग, हो जाएगा, होता नहीं है। हाँ, होता नहीं है। यहाँ पे अभी बहुत सारा घटना कुछ हो चुका है और कभी भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हमें जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे कभी घटना हो सकता है। क्या बताया जाए सर, ये पुल का स्थिति इतना ना जर्जर हो चुका है, अब बराबर लोग आते जाते हैं, लेकिन
आशा आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तो कोई सुधार नहीं हुआ। और न जाने किसके माथे पर लिखा हुआ है कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा, मालिक जानते हैं। अभी पुल पे पैर रख देने पे पुल हिल रहा है, आ इस पे जो गाड़ी जो गुजर रहा है ना, अभी देखिए ना, अभी तो देखिए रहे थे। अगर ये पुल अगर कभी भी गिर जाता है तो इस घटना के चपेट में, अगर इस पुल के चपेट में आने से बहुत सारे व्यक्ति के जान जा सकता है। अगर जिस समय अगर जान चला जाएगा उस समय बहुत सारा प्रतिनिधि आएगा, बहुत सारा नेता आएगा कि हम 2 लाख मदद कर रहे हैं, कोई बोलेगा 50,000 मदद कर रहे हैं, कोई बोले 1 लाख मदद कर रहे हैं, तो वो लोग उस समय मदद करेगा, अभी क्यों नहीं मदद कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं दूसरे पुल का निर्माण वो लोग कर रहे हैं। यही लोग बतावे कि आखिर आज तक विलम्ब काहे हुआ है, मान कर अब इसमें बुरा स्थिति कब होगा कि वो लोग इस पर ध्यान देंगे। यही तो हम भी कहना चाहते हैं, जो सांसद है, विधायक है, जो भी इस क्षेत्र के हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं यार, ट्रक वही आशा दिलासा दिला। अच्छा, चुनाव का समय आता है तो लोग कैसे आकर बोलते हैं पहले बताइए? सबसे विकास पुरुष बोलते हैं। अच्छा, आप लोग हम विकास करेंगे, अपने आप को विकास पुरुष बोलते हैं। अच्छा, आप भी इस पुल से गुजरे हैं, आपको क्या महसूस होता है? कभी हम गिर सकते हैं? नित दिन सुबह शाम इस पुल देखिए पुल कैसे हिल रहा है, काफी चलता है, काफी स्थिति बुरा है इसका, देखिए ना। स्कूल के साथ मेरा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद।